रोहित के हाथ लगा बुमराह और शमी से भी घातक बॉलर, बड़े बड़े बैटिंग ऑर्डर को भी कर देता है तहस नहस। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि भारतीय टीम पहले ही टेस्ट मैच में श्रीलंका को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टी20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में भी श्रीलंका को पूरी तरह से सफाया करना चाहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 4 मार्च यानी कल से खेला जाएगा। यह मुकाबला कल भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इस टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका की टीम में खौफ का माहौल है। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में अचानक उनके सबसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री करवाई है। ये खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी होगा जो श्रीलंका की टीम का बन जाएगा, वो भी पक्के तौर पर। ये खिलाड़ी अपने अकेले दम पर भारत को मैच और सीरीज भी जिता सकता है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में अचानक उसके सबसे खतरनाक खिलाड़ी की वापसी हुई है, जिससे श्रीलंकाई टीम में दहशत का माहौल है। ये मैच विनर कोई और नहीं है बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिनर सौरभ कुमार है। आपको बता दें कि सौरभ कुमार भारतीय पिचों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक हैं, जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। सौरभ कुमार से भारत के पिचों पर बचना मानो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्पिन गेंदबाजी ही नहीं बल्कि सौरभ कुमार बल्लेबाजी के लिए भी माहिर हैं। आपको बता दें कि सौरभ कुमार का नाम सुनने के बाद श्रीलंका की टीम सकते में आ गई है और उसके अंदर खौफ का माहौल है। अब ये तो पक्का है कि सौरभ कुमार पूरी तरह से हमें पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और वो अपने गेंदबाजी के दम पर गदर मचाने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।